नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया सामने। बोले, मध्य प्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में राज्य की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित सभी आहतों को बंद करने, शॉप वार पर मदिरा पान की सुविधा खत्म करने व शराब दुकान पर सिर्फ शराब की बिक्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टे बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है। कोई आहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।